बिहार में विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसका बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो घोषणा कर दिया गया है, और जो अभी हमारी मौजूदगी है ये देख सकते हैं, ये एक लोकल मार्केट है जो कि तरारी विधानसभा क्षेत्र में आता है, और इस मार्केट को करथ बाजार के नाम से जानते हैं। और जो चुनावी मुद्दे होते हैं, जो चुनाव के वोट देने के जो चर्चा होता है, वो ऐसे ही दुकान से निकल करके बाहर आता है, चौक चौराहों और स्टैंड में से ये सारी बातें निकल करके आती हैं, किसको वोट देना है, किन मुद्दों पर देना है, और तरह तरह की बातें ऐसे चौक चौराहों पर होती है। तो कैसे हम चाय के दुकान पर मौजूद है, जहां पर कुछ बुजुर्ग और ग्रामीण यहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इस बार का जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें इन लोगों का क्या मुद्दा रहेगा। क्या क्या नाम है आपका, नाम क्या है? हमारा जयपुर प्रसाद। कहाँ घर है? यही। विकास हुआ है यहाँ पर? कुछ नहीं विकास हुआ है। क्या कमी आपको लगता है? सब तो कमी है, विकास कहाँ हुआ है? जैसे खेती में कुछ नहीं हुआ, हम लोग बिजनेस में, हम गौरव भाई पोषण वाला आदमी है, उसमें कुछ नहीं हुआ, क्या विकास हुआ? खेती के लिए बिजली उजली मिलता है, पानी वानी? अरे कहाँ पानी मिलेगा, कुछ नहीं, खाली तार टांगा हुआ है। आपके गांव के भी एक बहुत चर्चित आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, क्या करें हम? आप पहचानते हैं उनको? पहचान, नाम सुने हैं, सिर्फ नाम सुने हैं, कभी देखे नहीं है उनको? सपना में नहीं देखे आया, इसे कौन बताएगा? उनके बारे में क्या ख्याल है, चुनाव में समर्थन देना है उनको? नहीं नहीं, बीजेपी की तरफ से सुनील पांडे के बेटा है। हाँ हाँ, उनके बारे में? हाँ, सुनील पांडे विधायक, एक नंबर विधायक है सुनील पांडे, तो आपको आई लगना है। तो उनका बेटा चुनाव इस बार लड़ रहा है? हाँ, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा है। आप लोग साथ देंगे? हाँ हाँ हाँ। माले के बारे में क्या ख्याल है? माले के नहीं, विधायक को हम बनाएंगे। माले को राजू यादव चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं नहीं सर, विधायक को हम बनाएंगे अपने, सुनील पांडे को। सुनील पांडे को। क्या लोकल मुद्दा है तरारी में, विधानसभा जो तरारी है यहाँ पर विकास कितना हुआ है और क्या मांग है? तरारी क्षेत्र में कोई विकास हुआ नहीं है, सबसे पीछे तरारी क्षेत्र है। कैसे आप ये बात कह सकते हैं? जो बनता है सब अपना ही फेरा में लग जाता है, गरीब आदमी को इधर ध्यान ही नहीं देता है। अभी तक तो हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, 10 साल शादी हो गया, जब बनाते हैं स्किन सीले हो जाता है। खेती उती का क्या विकास हुआ? खेती उती में खेती को बस वही जो हो रहा है होता है। समय पर बीज वगैरह मिलता है? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता है। और ये वृद्धा पेंशन है या सिर्फ सरकार? अब वृद्धा पेंशन तो है कि हर स्टेट में, दूसरे दूसरे स्टेट में 1000 कहीं मिलता है, कहीं 2000 है, कहीं 3000 है, बिहार में 400 रुपया है। इसे वृद्धा पेंशन से 400 रुपए से बाबा बुजुर्ग आदमी है क्या होगा बताइए, राशन होगा? कैसे प्रत्याशी को आप लोग चाहते हैं आपके? हम लोग का तो बस सुनील पांडे है, उसी को जिताएंगे हम लोग, वोट देंगे। खास कारण नहीं है, विकास करते हैं, कोई काम पर साथ देते हैं, बस। भारतीय आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर है आपके यहाँ के ऊपर? हमारा भैया करत घर नहीं है ना, फिर भी आपके यहाँ के हैं जी? हाँ है, लेकिन उसको हम लोग दिए हैं, पहले भी दिए थे, अभी भी देंगे तो उन्हीं को देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा शंकर कुमार। सर भाई साहब, यहाँ आप लोग के लिए लोकल मुद्दा क्या है इस बार का चुनाव? देखिए, लोकल मुद्दा तो युवाओं के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। रोजगार पे कोई भी सरकार खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं है, काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो रोजगार को लेके जो है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है हम युवाओं के लिए। तो क्या लगता है कि कैसे प्रत्याशी आपके इस रोजगार के मुद्दे को दूर करेंगे? देखिए, अगर प्रत्याशी जो है हम लोगों के बीच के होंगे, प्रत्याशी अगर उन चीजों को समझेंगे, बेरोजगारी को, जो जनरल में बैठ के यहाँ से जाएगा लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, वही इस दर्द को समझ सकता है, जो एसी फर्स्ट क्लास में चलता है, एसी सेकंड क्लास में चलता है, जिसके पिताजी ऑफिसर हैं, वो इन चीजों को कभी नहीं समझ सकता है। तो हम युवाओं के लिए सबसे बड़ा चीज रोजगार है, शिक्षा है और स्वास्थ्य व्यवस्था है। इस बार का वोट इन तीनों चीजों पर ही देना है? एकदम। जात पात पैसे के पर नहीं ना बिकना है? देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकताएं हैं, और मैं सभी लोगों के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि मेरा वोट जो है वो कहीं ना कहीं विकास के लिए होना चाहिए, रोजगार के लिए होना चाहिए, शिक्षा के लिए होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए।
जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं कि एक लोकल बाजार है और यहाँ पर काफी चर्चाएं हो रही थी चुनाव को लेकर के, तो लोकल 18 भी खुद को रोक नहीं पाया और दर्शकों से जानने के लिए इच्छुक हुआ कि जो तरारी में इस बार का उपचुनाव होने जा रहा है वो किन मुद्दों पर हो रहा है। तो अभी तक जो बातें निकल करके आई है वो रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के आई है। क्या लगता है कि यहाँ पर और कितना विकास होना चाहिए? वो तो कुछ विकास नहीं हुआ है। जैसे कहाँ विकास हुआ है? क्या चाहिए आप लोगों को? क्या चाहिए? अस्पताल है या नहीं है? हाँ, और अस्पताल नहीं है? नहीं है। स्कूल है तो अस्पताल नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है। हाँ, खेती की अगर बात करें तो? खेती की बात करें तो खेती का आकर अथी करता है नेता कि किसान करेगा। कहने का मतलब है कि उसमें जो फसल में सब्सिडी होता है कुछ नहीं मिल रहा है। हम खुद किसान है, कुछ नहीं मिलता है यहाँ। कोई सब्सिडी कुछ नहीं मिलता है, सब अपना लगाना है। क्या लगता है क्यों ये चीजें नहीं हो पा रहा है? अब हम क्या बताएं सर, आप लोग तो विधायक बार बार चुनते हैं ना। विधायक चुनते हैं, विधायक क्या इसको चुने, एक ही है 15 साल से बने हुए हैं सुदामा प्रसाद। हाँ, विधायक यहाँ पर एक ही चल रहे हैं, उन्हीं का संख्या है, उन्हीं का जाति है यहाँ पर, और वो अपना बने हुए हैं। वो कैसा काम किए? क्या काम किए हैं? कुछ नहीं। इस बार बदलना है? बदलना कहाँ से बदल जाएगा, यहाँ संख्या रहेगा, जिसका ज्यादा संख्या रहेगा उसी का वोट मिलेगा ज्यादा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्ना सिंह हुआ। तो आपने सुना कि यहाँ पर तरारी विधानसभा जो है वो विकास से अभी बहुत ही पीछे है। यहाँ पर मूल रूप से स्वास्थ्य की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है और रोजगार की बात यहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं कर रहा है। तो यहाँ के जो लोकल ग्रामीण है इस बार जो उपचुनाव है वो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आगे आए हैं और जो प्रत्याशी इन सभी सारी चीजों को, समस्याओं को दूर करने का वादा करता है या कमिटमेंट करता है उसी को ये लोग वोट करेंगे। आगे भी आपको लोकल 18 के माध्यम से हम अपडेट देते रहेंगे। 13 नवंबर को तरारी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए वोटिंग होना है और 10 दिन के बाद उसका परिणाम आना है। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार तरारी से कौन विधायक बनता है और कौन यहाँ की विधानसभा को प्रतिनिधित्व करता है। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।